खोल है इसको, इंडिकेटर तो दे दे भाई। तो भाई कहाँ थे? उधर से तू आ रहा सीधा बजरा भाई, गिर जाता मैं फिर यार। तो पहले मैं आ रहा हूँ, वो थोड़ी आ रहा है, शोर कर रहा है। फिर पूरी की पूरी ब्रेक ना अंदर कर गया यार बाइक की। यार भाई ये रही कीवे 300R और ये रही RR 310। तो करते हैं ड्रैग रेस स्टार्ट। ओ भाई भाई बिल्कुल पास है वो बाइक यार। तो गाइस ये सामने लगी हुई अपनी RR 310, अपनी मॉडिफाइड बाइक, और आपको दिखाता हूँ V3 बोस ना गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो देखो कैसे बैठे हुए हैं, देखो भागे करो करो, कोई बात नहीं यार, इनको नहीं पता कि मैंने व्लॉग ऑन कर दिया। तो चलो पहले ना इंट्रो कर लेते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा DC। तो गाइस बाइक ना बहुत गंदी हो रखी है, तो बाइक भी हो रखी है, KTM भी हो रखी है, तो बट इन दोनों बाइकों को ना जल्दी जल्दी वॉश करना है। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे इंस्टा फैमिली और जितने भी अननोन बंदे मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से, V3 बोस की तरफ से, राजा DC फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपका सबका बहुत अच्छा जाए, और जो जो भी आपकी विशेज़ है आई होप कि सबकी पूरी हो जाए। तो मेरे लिए भी गुड विशेस कमेंट में कर देना कि मैं इस साल आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊं और जल्दी जल्दी हम अपनी और बड़ी फैमिली कर लें। आज ना RR की ड्रैग रेस होने वाली एक बॉम्ब सी बाइक के साथ। बहुत सारे बंदे मेरे को ना उस बाइक के लिए बोल रहे थे कि भाई उस बाइक के साथ RR 310 की ड्रैग रेस करो। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है, आपने बोला तो आपका भाई कर ही लेगा। तभी वो बाइक आ रही है, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सी बाइक है, एक प्रॉपर ड्रैग रेस होगी, देखेंगे कौन सी बाइक जीतेगी, RR 310 जीतेगी या फिर वो वाली बाइक जीतेगी। तो अभी वो कुछ ही देर में वाली बाइक ना आने वाली है। चलो गाइस पहले पेट्रोल पंप पे चलते हैं, इसमें पेट्रोल वगैरह डलवा लेते हैं। सामने V3 बोस अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या सीन रहने वाला। भाई बहुत से बंदे बोल रहे राजा भाई आजकल आप RR थोड़ी तेज नहीं चला रहे। RR तेज ना चलाने का नतीजा भाई ये सामने आपको टायर दिख रहा होगा भाई, टोटली ग्रिप ना खत्म हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहता भाई मैं ना गिरूं इस बाइक से, क्योंकि भाई तेज चलाने का कोई मसला नहीं भाई। मैं तेज बाइक सिर्फ दो चीजों के ऊपर चलाता हूँ, एक ब्रेक्स के ऊपर और एक टायर्स के ऊपर। तो भाई टायर ना इसका टोटली ना गंजा हो चुका है, तो भाई बाइक ना ग्रिप नहीं पकड़ते। तो इसलिए भाई मतलब दिखाने के लिए किसी को तेज चलाऊंगा तो भाई गिरूंगा मैं, तो लगेगी मेरे को ही। तो आ चुके V3 बोस, हैप्पी न्यू ईयर विश कर दे सबको। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो V3 बोस से भी आपने हैप्पी न्यू ईयर सुन लिया है। तो बाकी अभी एक बाइक आ रही प्यारी सी, उसके साथ हम करेंगे ड्राइव। तो चलो निकलते हैं। सो ये गाइस, मैंने रिसेंट वीडियो में अपनी फेवरेट वेबसाइट फोरा बेट के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, जहाँ पे गाइस आप मेरी तरह टाइम भी स्पेंड कर सकते हो और ढेर सारा पैसा भी अर्न कर सकते हो। एंड मुझे बहुत सारे बंदों के मैसेजेस भी आए कि हमें अच्छे से समझाओ और बताओ। आज मैं आपको एक गेम खेल के बताता हूँ जिसको द एविएटर बोलते हैं। मेरे सारे दोस्त यही गेम खेल रहे हैं और अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर रहे हैं। एंड गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गेम खेलनी कैसे है। जितना ज़्यादा मेरा प्लेन ऊपर जाएगा मैं उतना ज़्यादा ही अर्न करूँगा। चलो गाइस मैं यहाँ पे 3000 रुपये लगाता हूँ ऊपर। ओ गाइस मेरा प्लेन टेक ऑफ कर गया है, जो मेरा डिपॉजिट था वो ऑलरेडी डबल हो गया है। गाइस ये मेरा प्लेन ऊपर जा रहा है। यस सो गाइस आप देख सकते हो अभी मैंने 10 सेकंड में 6480 रुपये जीत लिए। सो गाइस सब कुछ अच्छा चल रहा है, चलो एक बारी फिर से खेलते हैं। सो गाइस इस बारी मैंने 5000 रुपये लगा दिए, बट इस बारी मैंने इससे ज़्यादा अर्न करना है। सो गाइस मेरा प्लेन ऊपर जा रहा है। यस सो गाइस आप देख सकते हो मैंने अभी 10 सेकंड में 16100 रुपये जीत लिए हैं। गाइस आप जीता हुआ पैसा इजीली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, एम पे, गूगल पे, जी पे, किसी से भी। गाइस अभी आपको मैं ट्रांसफर करके दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन है, तो जल्दी से जाके इसको डाउनलोड करो। फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेगा आपको 200 रुपये का बोनस, जो मेरी लास्ट अर्निंग थी उससे मैंने ये मोबाइल लिया है। तो जाओ आप भी रजिस्टर करो। सो गाइस आ चुकी है वो वाली बाइक जिसके साथ मेरी होने वाली है ड्रैग रेस। ये दिखा देता हूं आपको, कीवे 300 बाइक है साजिद की, बहुत से बंदों ने देखी होगी जब साजिद ने ली थी। तो बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई इस बाइक के साथ ना हमें ड्रैग चाहिए, तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है। गाइस ये देख लो बाइक की ना एक बड़ी लुक चेक कर लो, ये मिनी डुकाटी बोलते हैं सब इसको। तो आज इस बाइक के साथ ना इसकी ड्रैग होने वाली है, तो देखते हैं क्या सीन रहता है, क्या नहीं, कौन सी बाइक जीतेगी। तो इसका टेस्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सिधरा, तो अभी हम सिधरा जा रहे हैं, तो देखते हैं कौन सी बाइक जीते। एक दो दिन में ना मैं अपनी RC किट ना चेंज कर दूंगा, जो इसकी अपनी नॉर्मल किट है ना, मैं वो वाली किट ना वापस इंस्टॉल कराने वाला हूँ उसमें, क्योंकि ना मेरे को ना X2 किट में ना चलाने का बिल्कुल भी बाइक को मजा नहीं आ रहा है। मेरे को 3-4 काम करवाने, एक RR का टायर चेंज करवाना है, एक RC का टायर चेंज करवाना है, देन उसकी किट भी गाइस चेंज करवा देनी है। क्योंकि आपको पता है गाइस मैंने आपके डिमांड पे X2 किट मंगवाई थी, जब बंदे बोल रहे थे कि भाई मॉडिफिकेशन करो, तो आपको पता है V3 बोस ने जम्मू में 1 इंच जम्मू बना दी थी, तो सबसे पहली X2 किट भाई हमने अपनी बाइक को लगाई थी। अब बहुत से बंदे जो कॉपी कर रहे हैं उनको करने दो, तो अब हम ना अपनी X2 किट उतारने वाले हैं। तो चलो पहले निकलते आगे सिधरा वाली तरफ, तो आगे जाके करते हैं ड्रैग रेस। चलो गाइस ड्रैग रेस से पहले थोड़ी सी रेस हो जाए इस बाइक के साथ यार, आज ना मजा आने वाला है इस बाइक के साथ ड्रैग करके। और मेरा टायर टोटली गंजा, बाइक पूरी बबल कर रही है यार। RR तो तैयार है ड्रैग करने के लिए, बट यार RR का जो टायर है ना गाइस वो टोटली ग्रिप में नहीं है यार, टोटली ग्रिप ना खत्म हो चुकी है। बट चलो फिर भी देखते हैं क्या सीन रहता है, तो चलते हैं ट्रैक पे सीधा।
ये रही वो बाइक जिसने आरआर के साथ पंगा ले लिया, बट मुझे नहीं लगता आरआर 310 इसे जीत पाएगी, बट देखते हैं क्या सीन है। रेस की बाइक की तो चलो बात छोड़ दो, ये तो जीत ही जाएगी। तो क्या नाम है बाइक का? कीवे 300। बाइक कीवे 300R नाम है बाइक का। तो भाई ये बड़ी डुकाटी की तरह लुक रहती है इस बाइक की, तो भाई पुलिस वाले ना आ जाए। तो अपनी आरआर तैयार है, बट मेरी आरआर में तेल थोड़ा सा कम है, बट देखते हैं फिर भी क्या सीन रहता है। भाई ये रही कीवे 300R और ये रही आरआर 310। तो करते हैं ड्रैग रेस स्टार्ट। और गाइस मेरा ना टायर देख लो, टायर बिल्कुल भी गंजा है, इसका टायर एकदम ब्रांड न्यू है, ट्रैफिक हटने का नाम नहीं ले रहा है, बट हम फिर भी ना स्टार्ट करने वाले हैं। क्या सीन रहता है, रुक जा, थ्री हॉर्न करूंगा, 1 2। बंद होगी। गाइस देखा, डर देख रहे हो, डर देख रहे हो भाई, डर देख रहे हो, डर आरआर का। चलो ठीक है, थ्री हॉर्न, चलो गाइस, 1। ओ भाई भाई बिल्कुल पास है वो भाई यार, भाई निकल गया आपका भाई आगे। ओ भाई भाई बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल पीछे, जीत जा भाई, जीत गया आपका भाई, ओ भाई 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 भाई, आस्था हो जाओ, आस्था हो जाओ, आस्था हो जाओ भाई, जीत गया आपका भाई, राजा डीसी जीत गया भाई, बड़ी खुशी हो रही है, आरआर ने कोई तो रेस जितवा दी मेरे को यार। ओ भाई गॉड भाई, वो रही कीवे R300 और ये रही RR310। तो बट यार चलो जो भी है, बट आपको पता अभी ना मेरा टायर भी गंजा था, बट फिर भी आपका भाई ना ये ड्रैग जीत गया। अब ना मैं साजिद की बाइक ट्राई करता हूँ, साजिद को मैं अपनी बाइक देता हूँ, तो देखते हैं क्या सीन रहने वाला है यार, इतना सफर कराया गया था। चलो आओ आओ गाइज, मेरे को ना सिर्फ एक ही चीज का डर लग रहा है, वो है पीछे वाले टायर का। गाइज तो आपको पता है मेरे को ना इतना डर लग रहा है ना, क्योंकि टायर में ना बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है, और मैं फिर भी ना तेज चला रहा हूँ, क्योंकि भाई बाइक में अगर ग्रिप नहीं ना होगी तो भाई फिर ना मुश्किल हो जाती है यार। तो अब ना हम यहाँ से ड्रैग स्टार्ट करेंगे, तो वो पुलिस वाले सर भी ना देख रहे हैं, पुलिस वाले सर का ध्यान रखना, जल्दी बाइक दे। तो गाइज अभी ना हम बाइक चेंज कर रहे हैं, गाइज अभी ना मैं इसकी ये बाइक चला के टेस्ट करने वाला हूँ। भाई कंफर्टेबल बाइक है यार ये भी यार, मेरी बाइक ना थोड़ी सी ब्रेक में थोड़ा इशू रहता है, अब पता नहीं साजिद को चलाने में कैसा लगेगा, तो बट देखते हैं क्या सीन रहता है। और ये बाइक की लुक बताना मेरे को भाई, आपके बाइक पे कैसी लग रही है और आपको देखने में भाई कैसी लग रही है। तो मेरे को तो अभी तो फिलहाल चलाने में आरएस की तरह फील आ रहा है, क्योंकि जैसे आरएस का हैंडल होता था, इसका हैंडल भी मेरे को आरएस की तरह ही लग रहा है, बट देखते हैं बाकी क्या सीन रहता है क्या नहीं। तो इधर से पहले निकलते आगे, तो आगे से अब हम ड्राइव करने वाले हैं वापिस से, मैं ये वाली बाइक राइड करूंगा और साजिद कर रहा है मेरी बाइक। पहली ड्राइव तो आपका भाई जीत चुका है, अब सेकंड ड्राइव देखते हैं भाई कौन जीतता है और कौन हारता है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे आगे ब्रिज से। तो चलो भाई, बाकी आपको पता भाई आरआर 310 में भी काफी ज्यादा पावर है, और ये बाइक भी 300cc है, और आरआर भी भाई सेम है, इतना कोई ज्यादा उसमें मतलब डिफरेंस तो है नहीं इन दोनों बाइकों में, सेम सीसी बाइक ही है एक हिसाब से। तो अब ना हम इधर से स्टार्ट करेंगे, थ्री हॉर्न करना, थ्री हॉर्न, कैसे भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ, रुके एक सेकंड, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, सेल्फी आ जाओ एक साथ, सब आ जाओ, आप आओ मैं ले लेता हूँ। ओके भाई, ओके मेरा भाई, ओए थ्री हॉर्न करना। गाइस अभी ना सब्सक्राइबर भाई आगे थे, तो पहले उनसे मिलना भी जरूरी है, तो ट्रैफिक के चक्कर में ना एक आधे बंदे की ना ब्रेक बच जाती है यार, ये सीन है, थोड़ा ना रोड ना खाली होने देते हैं, जैसे रोड थोड़ा खाली हो जाएगा, क्योंकि भाई चक्कर पता है क्या, अगर कोई एक बंदा भी ब्रेक दबा देगा ना मोशन बाइक ना टूट जाता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है यार। तो चले चलते फिर ड्रैग ऐसे कर लेते हैं, ट्रैफिक ड्रैग, ओ भाई भाई आ रहा अभी ना आगे निकल चुकी है यार, भाग 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 भाग, गाइस हम आरआर को पीछे कर देंगे यार। ओ भाई 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 ट्रैफिक आ चुका है यार, भाई 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 निकलेगी भाई क्या भाई, वो जा रही है आरआर 310 यार,
भाई ये बाजी भी नहीं है बाइक यार, भाग जा भाग जा, जीत गया यार भाई। फिर भी आर आ रही आगे रही, बट यार ऐसे ना कोई मजा नहीं आया ड्रैग रेस का, क्योंकि भाई ट्रैफिक ना बहुत ज्यादा था, काफी ज्यादा ब्रेक्स मैंने मारी बाइक में यार। तो पावर तो मेरे को इसकी और आर आर की एकदम सेम लगी है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों बाइकों में, तो बाकी चलाने वाले पे भी डिपेंड होता है। तो बट अभी चलाने वाला भी क्या करता है, काफी ज्यादा ट्रैफिक था आगे तो कुछ अच्छे से पता नहीं चल पाया। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम अगली बारी फिर से ट्राई कर लेंगे। यार मेरे को तो ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, दोनों की पावर सेम ही है यार, बट ट्रैफिक की वजह से हम अच्छे से कर नहीं पाए। बट चलो बोलना यही है कि भाई आपको पुलिस कोड है, आप जहाँ जम्मू में जब भी आते हो हम आपको आपसे मिलने आ सकते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू, शुक्रिया भाई, ओके मेरा भाई, आराम से जाना आप भी। तो गैस अभी मैंने अपनी बाइक वापस से साजी से ले ली है, तो अभी हम आगे निकल रहे हैं। गैस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आर आर की भी सेम मेरे को वही चीज लगी, बट हाँ कीवे 300 आर में मेरे को ना हैंडलिंग आर एस की तरह लगी, तो काफी स्मूथ बाइक थी वो चलाने में, आर आर से तो मैं कहता हूँ काफी बेटर थी। आर आर में जो वाइब्रेशन और ब्रेकिंग का था, बट भाई उस बाइक में ना कोई वाइब्रेशन थी और ब्रेकिंग भी ना गाइस एक नंबर थी, तो मुझे वो बाइक चला के ना काफी ज्यादा मजा आया। बट जो उसका मीटर सेट था ना, मीटर थोड़ा ओल्ड टाइप लग रहा था, बाकी बाइक की लुक यार आपको पता है मिनी डुकाटी की तरह रखी हुई है साजिद ने। तो बाकी चलो आगे चलते हैं। गाइस आज की ड्रैग में तो मजा आ गया, बट ना ट्रैफिक ना बहुत ज्यादा था, ट्रैफिक की वजह से ना अच्छे से मजा नहीं आ पाया। और अभी ना मेरे को ना तेज राइड करने का बहुत मन कर रहा है, बट यार मेरे टायर की वजह से ना मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, नहीं तो यार इस टाइम आपका भाई भी ना अच्छे से तबाही डाल रहा होता है यार। तो बस अभी ना थोड़ा टायर का इशू आ रहा है, जैसे मैं कर्व पे लीन वगैरह थोड़ा बहुत कर रहा हूँ ना, तो उसकी वजह से ना काफी बाइक बबल हो रही, तो मैं रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ छोड़ो पहले टायर वगैरह डलवा लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे। गाइस ये वो बाइक जा रही है जिसके साथ आज ड्रैग हुई, तो पहली ड्रैग तो आपका भाई जीत गया, बट दूसरी ड्रैग में ना पता नहीं चला भाई क्या सीन हुआ क्या नहीं। तो बट यार मेरे को यही लगा कि आर आर शायद से जीत सकती है, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम वापिस से करके देखेंगे क्या सीन रहता है क्या नहीं। तो गाइस अभी अपने दोस्त वगैरह पता नहीं हमें अकेले कहाँ छोड़ के चले गए। V3 बॉस कुछ बोलना चाहते हैं, साल का आखिरी व्लॉग, मतलब ये साल का फर्स्ट व्लॉग हो, हाँ ये साल का फर्स्ट व्लॉग है, ये बोलूंगा तरक्की करता रहे, बढ़ता रहे, बस तरक्की करता रहेंगे, हम साथ रहेंगे दोनों भाई, तो तरक्की तरक्की है। बाकी दिल्ली जाने का कोई प्लान है वापिस से? जल्दी हम फिर से वापिस जाने वाले हैं। कैसे भैया ठीक हो? बढ़िया है, बस अभी व्लॉग ही कर रहे थे, घर ही जा रहा था अभी, करते कब जैसे आज होगा ये कल को करते जाना है। हाँ मतलब जैसे टाइम मिल जाए ना, बस वैसे ही। आशीष कोहली बड़ा पीछे पड़ा, नहीं आओगे? चलो क्या कर सकते हैं यार, कोई बात नहीं, छोड़ो जो बोलता बोलने दो यार, अपने काम की तरफ ध्यान रखो बस। वैसे अभी आपका भाई निकल रहा है घर वाली साइड, क्योंकि आज मम्मा ने बोला था घर जल्दी आ जाना, कुछ काम है, तो मैंने बोला ठीक है। और आपको पता है मेरी बाइक में ना बिल्कुल भी तेल नहीं है, तो अब देखते हैं मेरी बाइक कैसे आगे पहुंचेगी कैसे नहीं। मैं बिल्कुल स्लो चलने वाला हूं, क्योंकि इशू ये हो गया ना, इनके पास ना ऑनलाइन पेमेंट नहीं थी, और हम ना ऑनलाइन पेमेंट रखते नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 100 रुपये का ना नोट पड़ा हुआ था पॉकेट में, तो हमने 100 रुपये का तेल डाला, और उस 100 रुपये में ना गाइस हमने ड्रैग रेस भी कर ली। बट आपको पता है ड्रैग रेस में कैसे हमने फुल थ्रॉटल दिया होता है, तो तेल 2 मिनट में ना उड़ गया होगा। तो अब ना मेरे को जैसे तैसे करके ना कुछ जवानी तक पहुंचानी है, वहीं पे मेरे को पेट्रोल मिल पाएगा, तो अब न्यूट्रल मारते मारते चलूंगा, तो बाकी आपको आगे जाके मिलता हूं। तो अगर तेल खत्म हो गया तो व्लॉग ऑन कर दूंगा यार। कौन है इसको? इंडिकेटर तो दे दे भाई। तो भाई कहाँ थे? उधर से तू आ रहा सीधा बजरा भाई, गिर जाता मैं फिर यार। तो भाई इंडिकेटर उसको बोल दे ना, गाड़ी चला रहा पहले सिखाओ इसको गाड़ी। तो भाई इंडिकेटर नहीं देना होता, मैं जहाँ मर्जी, तो इंडिकेटर नहीं देना होता है, तो पहले मैं आ रहा हूँ वो थोड़ी आ रहा है, शोर कर रहा है। भाई अपनी गलती कोई मानता नहीं, ब्रेक अंदर कर गया, गाड़ी ठोक दिया यार इसने, शिट यार। गाड़ी टर्न करा, गाड़ी देख नहीं रहा भाई कहाँ पे टर्न करने, और पूरी की पूरी ब्रेक ना अंदर कर गया यार बाइक की यार, और ऊपर से ना मेरे को मतलब ये बोल रहा है कि भाई तेरे को नहीं दिख रहा है, बताता मैं अभी आपको किसको नहीं दिखा। ये एक तो मतलब गलती होती ना, मानते भी नहीं बंदे, ऊपर से ना शोर कर रहे थे कि भाई तेरी गलती है। अभी मेरी बाइक में तेल खत्म था, मैं उस चक्कर में भाई आस्था चल रहा था, अभी तेज होता गई मैं तो गिर गया था यार, कसम से कह रहा हूँ। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, जहाँ पे टक्कर हुई है देखो, ब्रेक ना पूरी टेढ़ी होगी, शिट यार। ये देखो अलग पंगा, देखो पूरी ब्रेक इधर अंदर हो गई है। चलो कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ। अभी कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे, तो गाइस आपको पता है ब्रेक ना टोटल ना अंदर हो चुकी है। मैं अभी आपको क्या बताऊं, गाड़ी अंदर कर रहा है, तो कम से कम भाई शीशा दिया होता है, शीशे में पहले तू देख ले कि भाई उधर से बाइक वगैरह आ रही है नहीं आ रही, क्या सीन है।
तो ऊपर से जो इनके बंदे इधर सब साथ होते मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तू देख लिए वो, तो भाई मैं तो देख के चल रहा था। तो गाइस पूरी आरआर की ब्रेक ना अंदर हो चुकी है, तो अब ना पिछली ब्रेक बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। तो कोई बात नहीं, अब इसको कंपनी से ठीक करवाएंगे। अभी ना मेरी बाइक में तेल नहीं था ना, मैं ना काफी स्लो चल रहा था। अगर गाइस मैं सच में थोड़ा तेज होता ना गाइस, जिस हिसाब से गाड़ी बंदे ने मेरे से टक्कर दी ना गाइस, आपका भाई ना सच में गिर जाता वहां पे। तो मैंने ऊपर से सिंपल पूछा भाई देख तो ले कम से कम। उसके साथ जो दो तीन बंदे थे वो मेरे को आगे से ऐसे आके भाई बोल रहे हैं भाई पहले तू ना देख ले, अगर वीडियो भी देख लेना भाई पहले देख लेना गलती किसकी थी फिर मेरे को बोलना। तो पहले गाड़ी सीख लो भाई चलानी, तो फिर बताना कि भाई ऐसे मोड़ काटते हैं। तो बाकी चलो छोड़ो यार कोई बात नहीं, अभी निकलते हैं घर वाली तरफ, तो आपको गाइस आगे जाके मिलता हूं मैं। गाइस आपका भाई घर तो पहुंच गया, बट यार मूड ना टोटल ऑफ हो गया यार, ब्रेक ना बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो पा रही है नीचे वाली। अब ना मैं सिर्फ गियर्स और ब्रेक के बम पे इधर पहुंचा हूं, तो मैं सोचा था कि आपको गाड़ी भी दिखा देता अच्छे से। कल बहुत से बंदे बोल रहे थे भाई आपने प्रॉपर से अच्छे से गाड़ी नहीं दिखाई। भाई सामने आपकी बाइक की गाड़ी लगी हुई है एकदम बॉम वॉश करके, बता देना भाई गाड़ी की लुक कैसी लग रही है। तो गाइस ये देख लो आपके राजा डीसी बाइक, ये वाली फर्स्ट ड्रीम ये रहा और सेकेंड ड्रीम ये रहा। सामने लगा हुआ भाई स्प्लिटर्स वगैरह लगाए हुए हैं, स्पोर्ट्स ग्रिल लगाई हुई है। For a bet.